अरे ये ट्रेन इतनी धीरे क्यों चल रही है? पता नहीं कब पहुंच पाएंगे हम दिसपुर। दिसपुर जाने वाली ट्रेन में बैठी एक औरत ने कहा। उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची सोई हुई थी। तभी उसकी हड़बड़ी देखकर एक आदमी मुस्कुराया और बोला, अरे बहन जी, अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? ट्रेन अपने समय के अनुसार ही तो अपनी जगह पर पहुंचाएगी। लगता है बहुत जल्दी में है आप, क्या बात है? तो उस औरत ने कहा, अरे भाई साहब, क्या है ना, मुझे लंबा सफ़र करना पसंद नहीं है, मेरे शरीर में दर्द हो जाता है, इसलिए जल्दी घर पहुंचना चाहती हूँ। उस आदमी ने कहा, अच्छा वैसे आपका नाम क्या है? तो उस औरत ने कहा, जानकी। और आपका? तो उस आदमी ने कहा, जी मेरा नाम विष्णु सिन्हा है, मैं भी दिसपुर जा रहा हूँ अपने बेटे के पास। वैसे माफ़ कीजिएगा, वो क्या है ना, मुझे सफ़र में शांति से बैठना पसंद नहीं आता, इसलिए जब भी कहीं भी जाता हूँ तो अपने साथ जाने वालों के साथ बातें करना शुरू कर देता हूँ, क्या है कि सफ़र आसान हो जाता है। तो जानकी ने कहा, नहीं नहीं अच्छी आदत है आपकी, वैसे आपका बेटा करता क्या है? तो विष्णु ने कहा, अरे एक कंपनी में एम्प्लॉय है, 6 महीने पहले ही उसकी नौकरी लगी है, और अब जब वो वहाँ सेटल हो गया है तो उसने मुझे भी अपने साथ रहने को बुला लिया। ये सुनकर जानकी ने कहा, बड़े खुश नसीब हैं आप तो, वैसे भी आजकल के बच्चे सफलता पाने के बाद कहाँ किसी को याद करते हैं, अपने माँ बाप से तो मानो जान छुड़ानी हो उन्हें। तो विष्णु ने कहा, सही कहा आपने, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वैसे आप दिसपुर किसी काम से जा रही हैं या घर है आपका वहाँ? तो जानकी ने कहा, जी मेरी बहन का घर है वहाँ, कुछ दिनों के लिए उसके यहाँ रहने के लिए जा रही हूँ। विष्णु ने कहा, अच्छी बात है, और बताइए अपने बारे में कुछ, ये बच्ची कौन है? तो जानकी ने कहा, ये मेरी पोती है और इसका नाम संजना है, भैया मेरे बिना एक पल भी नहीं रहती है, इसीलिए इसे भी साथ ले जा रही हूँ। फिर वो आगे कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक से ट्रेन झटके के साथ रुक गई। विष्णु ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन आसपास उसे कुछ नज़र नहीं आया। तो जानकी ने कहा, अरे अब ये ट्रेन क्यों रुक गई? तो विष्णु ने कहा, पता नहीं, यहाँ तो कोई स्टेशन भी नहीं है। तभी संजना भी उठ गई और उसने पूछा, क्या हुआ दादी? तो जानकी ने कहा, पता नहीं बेटा, तू सो जा। विष्णु ने देखा कि सामने वाले कोच से एक आदमी नीचे उतरकर आगे गया और करीब 10 मिनट के बाद वापस आया। ये देखकर विष्णु ने उस आदमी को आवाज़ दी, अरे ओ भाई जरा सुनना। वो आदमी विष्णु की सीट की खिड़की के पास आया और बोला, हाँ हाँ क्या बात है भैया? तो विष्णु ने कहा, अरे ये ट्रेन क्यों रुक गई? तो उस आदमी ने कहा, अरे भैया वो क्या है ना, इस ट्रेन का इंजन बदला जा रहा है, थोड़ा समय लगेगा ट्रेन चालू होने में, वैसे आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो विष्णु ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, धन्यवाद। वो आदमी वापस अपनी सीट पर चला गया। विष्णु ने कहा, जानकी जी आप भी आराम कीजिए, मुझे भी नींद आ रही है। जानकी ने हाँ कहा और फिर वो दोनों भी सो गए। करीब आधे घंटे के बाद जानकी की नींद खुली। उसने देखा कि ट्रेन अभी भी रुकी हुई थी और लगभग ट्रेन की कोच खाली हो चुकी थी। जानकी को ये देखकर बड़ा ही अजीब लगा। उसने सोचा, ये सब लोग कहाँ गए, ट्रेन तो यहीं रुकी हुई है कब से। उसने फिर देखा कि विष्णु भी वहाँ नहीं था, पूरे कोच में वो अकेली थी। उसने बाहर की ओर देखा तो बाहर भी कोई नहीं था, संजना उसकी गोद में ही सोई थी। जानकी ने उसे फिर सीट पर सुला दिया और फिर उठकर खुद ही बाहर की ओर निकल गई। जैसे ही उसने ट्रेन के बाहर कदम रखा, उसे एक बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था, बैरमपुर। जानकी ने कहा, जहां ट्रेन रुकी थी वहां तो कोई स्टेशन नहीं था, फिर ये स्टेशन कहां से आ गया? लगता है ट्रेन आगे चल पड़ी होगी और यहां रुकी होगी, लेकिन ट्रेन तो कभी भी इस स्टेशन पर नहीं रुकती है, फिर इस बार कैसे रुकी? क्या सारे लोग यहीं उतर गए? उसने हर तरफ देखा लेकिन ट्रेन में कोई भी नहीं था, और ये बात बड़ी अजीब थी। जानकी ने सोचा कि अंदर जाकर बैठना ही सही है, इसलिए वो अंदर चली गई। लेकिन सीट पर जाते ही उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। संजना भी वहां से गायब हो गई थी। उसने आवाज लगाई, संजना संजना, अरे ओ संजना बेटी। वो एक कोच से दूसरे कोच भागती रही
और संजना को पुकारती रही, लेकिन संजना कहीं नहीं मिली। उसने कहा, हे भगवान, कहाँ गई संजना? ये सब क्या हो रहा है? कहाँ ढूंढूं अब मैं उसे? वो भागती भागती ट्रेन से उतर गई और बाहर संजना को ढूंढने लगी, पर संजना का कुछ पता नहीं चला। उस अंधेरी रात में वो बिल्कुल अकेली थी। न जाने इतने सारे लोग कहाँ गायब हो गए थे। इसके पीछे का राज बहुत ही गहरा था। वो संजना को ढूंढ ही रही थी कि अचानक से उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी, जो कि एक छोटी बच्ची की थी। ये सुनकर जानकी ने कहा, ये आवाज, ये संजना तो नहीं है। उसने फिर से संजना को पुकारा, संजना बेटा, कहाँ है तू? अरे क्यों अपनी बूढ़ी दादी को परेशान कर रही है? वो बड़ी परेशान हो गई थी। डर के मारे उसका जी धक धक कर रहा था। तभी उसे एक रोती हुई आवाज ने पुकारा, बचाओ, कोई है, बचाओ, माँ, पापा, दादी, कोई तो बचाओ। जानकी ने जब ये सुना तो संजना को लेकर उसका मन और घबरा गया। वो आवाज ट्रेन के अंदर से आ रही थी। जैसे तैसे करके बूढ़ी जानकी वापस ट्रेन पर चढ़ी और अपनी सीट पर वापस गई। वो आवाज उसी कोच से आ रही थी। जानकी ने कहा, कौन है यहाँ? फिर से उस बच्ची ने कहा, दादी, मुझे बचाओ। उस कोच की आखिरी सीट के नीचे जानकी को किसी की परछाई नजर आ रही थी, जिससे वो घबरा गई। वो प्रार्थना कर रही थी कि काश वो संजना ही हो, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि अगर वो संजना हुई तो आखिर वो वहां पहुंची कैसे। जानकी धीरे धीरे उस सीट के पास गई और हिम्मत करके उसने नीचे झांका। सीट के नीचे कोने पर अंधेरे में एक बच्ची बैठी हुई थी। उसने अपने पैर मोड़ रखे थे और अपना चेहरा अपने पैरों में छिपाकर बैठी हुई थी। बाल आगे की ओर आ रहे थे और वो रो रही थी। वो देखने से संजना जैसी ही लग रही थी। जानकी ने कहा, संजना? उसी वक्त उस लड़की ने रोना बंद कर दिया और फिर जानकी की ओर देखा। वो संजना ही थी। उसने रोते हुए ही कहा, मुझे बचाओ, मुझे नहीं मरना, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है। जानकी को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, क्या हुआ बेटा, बाहर आ, कुछ नहीं होगा तुझे। लेकिन संजना बाहर नहीं आई और ना मैं सर हिलाने लगी। उसने कहा, बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ मुझे। जानकी ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन झटके से उसने उसका हाथ छोड़ दिया, क्योंकि जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने आग में हाथ डाल दिया हो। संजना का हाथ आग की लपटों की तरह ही तप रहा था, मानो कि वो आग में जल रही हो। जानकी के हाथ भी जल गए थे। जानकी अपने हाथों को फूंक रही थी और बहुत ज्यादा डर भी गई थी। संजना ने कहा, बचाओ मुझे दादी। जानकी ने कहा, अरे क्या हुआ है बेटा तुझे, बोल क्यों नहीं रही है, अचानक से क्या हो गया तुझे? लेकिन इतने में ही उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन में भागते हुए उसकी ओर बढ़ रहा है। जानकी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। जब वो करीब आया तो जानकी ने उसे पहचान लिया। वो विष्णु था। वो पसीने से लथपथ था और हांफ रहा था। जानकी ने कहा, कहाँ चले गए थे आप और ये सब क्या हो रहा है भाई साहब? तो विष्णु ने कहा, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है बहन जी, यहाँ से फौरन निकलना होगा हमें, चलिए यहाँ से। तो जानकी ने कहा, लेकिन हुआ क्या है? विष्णु ने कहा, अभी ये सब बताने का समय नहीं है, आप चलिए दो। जानकी ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं संजना को साथ ले लेती हूँ। ये बोलकर वो वापस संजना की ओर देखने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि संजना तो कहीं जा रही है। उसने उसे आवाज दिया, अरे संजना, कहाँ जा रही है बेटी तू, संजना? लेकिन संजना नहीं रुकी और बस आगे बढ़ती गई। जानकी उसके पीछे जाने वाली थी, लेकिन विष्णु ने उसे रोक दिया और कहा, नहीं बहन जी, आगे खतरा है, मत जाइए, वो आपकी पोती नहीं है। जानकी ने कहा, क्या कहा? वो मेरी पोती नहीं है? अरे आपने देखा है ना मेरी पोती को, वही तो थी, पता नहीं उसे क्या हो गया है, अजीब सा बर्ताव कर रही है। विष्णु ने कहा, नहीं नहीं, आप नहीं समझोगी अभी, आप बस मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब समझा दूंगा। जानकी उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और वो संजना के पीछे चली गई। विष्णु उसके पीछे पीछे गया। जानकी ने देखा कि संजना ट्रेन से उतरकर कहीं जा रही है। अंधेरे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे गई
और अचानक से एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ी। उसके घुटने में बड़ी चोट आई जिसकी वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उस सुनसान स्टेशन पर एक खाली ट्रेन थी और उसके अलावा वहां कोई भी नहीं था। ये सब बड़ा खौफनाक था। विष्णु भागते हुए जानकी के पास आया और उसने उसे उठाया। जानकी ने कहा, संजना कहाँ जा रही है? चलिए उसके पीछे ले चलिए मुझे। विष्णु ने कहा, अरे बहन जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलिए यहाँ से, वरना हमें भी कुछ भी हो सकता है। वो आपकी संजना नहीं है। जानकी ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे वो संजना ही है। जानकी फिर से संजना के पीछे लड़खड़ाते हुए जाने लगी। संजना कुछ आगे चलते चलते रुक गई जहां पर स्टेशन का ऑफिस था। ये देखकर जानकी ने कहा, अरे संजना क्या कर रही है बेटी? चल यहां से, यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। चल चलते हैं यहां से। संजना फिर से रोने लगी और उसने कहा, पता है यहीं पर वो हादसा हुआ था और सब कुछ एक पल में ही तहस नहस हो गया। जानकी हैरानी से उसे देख रही थी। उसने पूछा, कौन सा हादसा बेटी? संजना ने कहा, कोई नहीं बचा पाया हमें, मैं और मेरा पूरा परिवार चला गया। जानकी को अब डर लगने लगा था। वो एक कदम पीछे हट गई। उसे भी अब आभास हो गया था कि वो संजना नहीं है। वो कुछ करती इससे पहले ही उसे पीछे से एक बच्चे की आवाज सुनाई थी। बच्चे ने कहा, अम्मा, अरे ओ अम्मा, क्या तुमने मेरे बाबा को देखा है? जानकी झट से पीछे मुड़ी पर पीछे कोई भी नहीं था। उसे फिर से पीछे से आवाज आई, अम्मा अरे उधर क्या देख रही हो? अरे बताओ ना, मेरे बाबा को देखा है क्या तुमने? जानकी वापस मुड़ी पर फिर से उसे कोई नहीं दिखा, यहाँ तक कि संजना भी नहीं। एक बार फिर से वो उस इलाके में अकेली खड़ी हुई थी। तभी उसे जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, और उसी के साथ बहुत सारी दर्दनाक चीखें भी सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज आई जैसे कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो और रो रहा हो। जानकी ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो चिल्लाई, अरे बंद करो ये सब, चुप हो जाओ। उसके कानों में लोगों के रोने की आवाज लगातार आ रही थी, जैसे कोई किसी की मौत पर चीख रहा हो। करीब 2 मिनट के बाद जब वो आवाज आनी बंद हुई तो जानकी ने अपने कानों से हाथ हटाया और वो ट्रेन की तरफ भागी। भागते हुए रास्ते में उसे विष्णु दिखा जो किसी चीज को एकटक होकर देखे जा रहा था। जानकी उसके पास गई और बोली, भाई साहब, वो सच में संजना नहीं थी, चलिए यहाँ से। जानकी की बात विष्णु ने सुनी नहीं तो जानकी ने कहा, भाई साहब क्या हुआ, चलिए। विष्णु ने बिना कुछ कहे किसी चीज की ओर इशारा किया और जब जानकी ने उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने देखा कि सामने जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर निकला हुआ था और वो हिल भी रहा था। विष्णु ने कहा, मैंने कहा था ना, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है, कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है ये, चलिए यहाँ से। विष्णु और जानकी वहां से तुरंत भागने लगे। जब वो लोग ट्रेन के पास पहुंचे तो उन्होंने ट्रेन की आवाज सुनी। ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत ही धीरे धीरे चल पड़ी थी। ये देखकर विष्णु ने कहा, ये चालू हो गई है बहन जी, यहाँ से निकलने के लिए ट्रेन पकड़नी होगी। विष्णु पहले ट्रेन में चढ़ गया लेकिन जानकी को चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। ट्रेन की स्पीड भी बढ़ने लगी थी पर किसी तरह विष्णु की मदद से वो ट्रेन में चढ़ गई। उसने कहा, लेकिन संजना का क्या, मैं उसके बिना नहीं जा सकती। विष्णु ने कहा, मैं जब सोकर उठा तो मैंने देखा कि ट्रेन में बैठे सभी लोग एक एक करके नीचे उतर रहे थे और संजना भी उन्हीं के साथ थी। मैं उसके पीछे भी गया लेकिन जब ट्रेन के बाहर कदम रखा तो देखा कि सब लोग न जाने कहाँ गायब हो गए थे। फिर जब वापस आया तो देखा कि आप सीट के नीचे झांकते हुए किसी से बात कर रही थी। वो देखने में संजना जैसी थी लेकिन संजना नहीं थी। जानकी अपना सर पकड़कर रोने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो जानकी ने कहा, अचानक ये सब क्या हो गया? संजना कहाँ गई होगी? उसे कुछ हो गया तो अपने बेटे और बहू को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? ये देखकर विष्णु को उसके लिए बहुत बुरा लगा।
वो दोनों चुपचाप अपनी सीट पर बैठे हुए थे इस आस में कि कहीं ट्रेन रुकेगी और उन्हें कुछ मदद मिल पाएगी। लेकिन अचानक से ट्रेन की स्पीड कम हो गई और ट्रेन वापस रुक पड़ी। जानकी ने बाहर देखा और वो एक बार फिर सहम गई। वो लोग एक बार फिर से उसी जगह पर थे जहां पहले ट्रेन रुकी थी और बाहर बैरमपुर का बोर्ड लगा हुआ था। और जो सबसे डरावना था वो ये था कि इस बार उस बोर्ड के आगे कुछ लोग खड़े हुए थे जिन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे नीले पड़े हुए थे और आंखें सफेद थी। उनका चेहरा बुरी तरह खराब हो चुका था। किसी की आंखें नहीं थी, किसी की खोपड़ी फटी हुई थी, किसी के हाथ कटे फटे थे, किसी का आधा शरीर ही नहीं था। जानकी और विष्णु की सांसें मानो उन्हें देखकर अटक गई थी। जानकी जोर जोर से चीखने लगी उन्हें देखकर, भूत भूत बचाओ। और दूसरी तरफ विष्णु की तो जैसे आंखें ही बाहर आ गई थी डर के मारे। वो सब लोग जानकी और विष्णु की ओर ही देख रहे थे। धीरे धीरे वो सब लोग ट्रेन की ओर आगे बढ़ने लगे और जानकी और विष्णु ये देखकर डर के मारे कांपने लगे। विष्णु ने कहा, अब क्या करें, वो तो इधर ही आ रहे हैं। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। तभी एक बुढ़िया की आवाज उन्हें सुनाई थी, बेटा इधर आ जाओ। एक पल के लिए दोनों घबरा गए। उन्हें पीछे वाले कोच से आवाज सुनाई दे रही थी। और जब उन दोनों ने उन प्रेतों को उनके कोच की ओर बढ़ते हुए देखा तो दोनों बिना सोचे बस पीछे वाले कोच में भागे। पीछे वाले कोच में जाते ही उन्हें फिर से उस बुढ़िया की आवाज आई, भागो बेटा, जल्दी भागो। जानकी और विष्णु दोनों ही ट्रेन से उतर गए और देखने लगे कि वो आवाज उन्हें कौन दे रहा है, पर उन्हें कोई नजर नहीं आया। उन्हें उन प्रेतों की भयानक आवाज सुनाई दे रही थी और वो लोग ट्रेन से दूर भागने लगे। लेकिन भागते हुए फिर से वो दोनों रुक गए क्योंकि जानकी को सामने संजना दिखाई दी। जानकी ने कहा, संजना मेरी बच्ची। वो उसके पास जाने वाली थी पर विष्णु ने कहा, आप फिर से धोखा खा रही हैं बहन जी, याद रखिए कि संजना नहीं है यहाँ। जानकी ने संजना की ओर देखा। संजना ने कहा, दादी मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो रोने लगी और जानकी उसे देखकर भावुक होने लगी। जानकी ने कहा, ये संजना ही है। जानकी उसके पास गई और उसने उसे गले लगा लिया। उसने कहा, कहाँ चली गई थी तू, मैं कितना डर गई थी तेरे लिए। विष्णु ने कहा, बहन जी दूर हटिए उससे, वो आपकी पोती नहीं है। लेकिन जानकी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बस संजना को गले लगाकर रोती रही। तभी अचानक उसके गले से जोर की चीख निकली और विष्णु चौंक गया। संजना ने जानकी के गले में अपने दांत गड़ा दिए। न जाने कैसे उसके दांत इतने पैने हो गए कि जानकी के गले से खून बहने लगा। विष्णु उसके पास गया और उसने संजना को जानकी से दूर करने की कोशिश की, पर खींचा तानी में संजना ने जानकी के गले के उस हिस्से का मांस ही निकाल दिया जहां उसने अपने दांत गड़ाए थे। जानकी के दर्द की कोई सीमा नहीं थी। वो बिलख बिलख कर रोने लगी। उसके हाथ उसके खुद के खून से सन गए थे। विष्णु ने उसे संभाला और देखा कि कैसे संजना उस कटे हुए मांस को चबा रही थी। उसे बड़ी घिन आई और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो बड़ी डरावनी आवाज निकाल रही थी। विष्णु ने कहा, चलिए बहन जी। वो जानकी को दूसरी दिशा में ले जाने लगा। लेकिन तभी उसे आवाज आई, इधर आओ इधर, वरना मारे जाओगे। ये सुनकर विष्णु ने कहा, हमें किसी की बात में नहीं आना है बहन जी, याद रखिएगा ये सब छलावा है। विष्णु बस एक दिशा में चलता गया। वो लोग आगे जा ही रहे थे कि उन्हें पीछे कई लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी, पर पीछे मुड़ने पर उन्हें कोई नहीं दिखा। लेकिन कदमों की आवाज लगातार आ रही थी। विष्णु फिर बिना पीछे देखे चलने लगा। कितने में ही किसी ने उन्हें जोर से धक्का मारा और वो दोनों ही गिर पड़े। जानकी की हालत वैसे ही खराब हो गई थी खून बहने की वजह से, पर वो इस अजीब और भयानक स्थिति से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब वो दोनों खड़े हुए तो ये देखकर उन्हें अगला झटका लगा कि वो दोनों ट्रेन के अंदर थे। जानकी थक कर सीट पर बैठ गई और विष्णु ने कहा, हम अंदर कैसे आ गए, ये सब खत्म कब होगा। विष्णु भी थक कर बैठ गया। आसपास बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, पर अचानक से ट्रेन के उस डिब्बे में कोहरा छाने लगा। विष्णु ने कहा,
ये कोहरा कहाँ से आ गया? इतनी ठंड तो नहीं थी यहाँ पर। वहाँ इतना कोहरा छा गया कि जानकी भी उसे दिखाई नहीं दे रही थी। उसने कहा, बहन जी आप यहीं हैं ना? तो जानकी ने कहा, हाँ हाँ भाई साहब, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तभी उन्हें किसी के घुंघरू की आवाज सुनाई दी और कोहरा थोड़ा थोड़ा छटने लगा। जानकी और विष्णु इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अब अगले ही पल क्या होने वाला है। दोनों को बिल्कुल आभास नहीं था कि अब जो आगे होगा वो सबसे ज्यादा भयानक होगा, इतना भयानक कि उनकी रूह भी कांप जाएगी। दोनों चुपचाप उस घुंघरू की आवाज को सुन रहे थे कि तभी ट्रेन की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। जानकी चौंक गई। उसने देखा कि खिड़की पर कोई है, पर कोहरे की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। जानकी और विष्णु खिड़की से दूर हट गए। खिड़की पर जो भी खड़ा हुआ था उसने अंदर एक कागज फेंका जो मुड़ा हुआ था। इसके बाद जो भी वहां खड़ा था वो अचानक से कोहरे में कहीं गायब हो गया। विष्णु उस कागज को उठाने वाला था लेकिन जानकी ने कहा, संभाल कर, पता नहीं अब क्या होने वाला है। विष्णु ने उस कागज को उठाया और उसे खोला। उसमें लिखा था, हम नहीं बचे, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ उस कागज में खून का धब्बा था। विष्णु ने कहा, आखिर ये सब खत्म कैसे होगा? क्या चाहते हैं ये लोग हमसे? विष्णु ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से ट्रेन का इंजन स्टार्ट हो गया और सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जोर जोर से दरवाजे के एक एक बंद होने की आवाज बिल्कुल साफ आने लगी और हर एक दरवाजे के साथ जानकी और विष्णु की इस स्थिति से बाहर निकलने की आस भी खत्म होती जा रही थी। अचानक से ट्रेन की सारी लाइट बंद चालू होने लगी और एक अजीब सी आवाज आने लगी। इंजन तो स्टार्ट हो गया था पर ट्रेन अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। जानकी चिल्लाई, कोई है, मदद करो हमारी। विष्णु ने कहा, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है बहन जी, पता नहीं क्या होगा आज हमारा। इतने में ही अचानक से ट्रेन झटके खाने लगी। वो आगे बढ़ती और फिर अचानक रुक जाती और यही प्रोसेस बार बार दोहराता जाता। जानकी और विष्णु डर के मारे ट्रेन की फर्श पर बैठ गए। जानकी ने कहा, बस करो, कौन कर रहा है ये सब और क्यों कर रहे हो? तभी उसे फिर से लोगों के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई देने लगी और उसे ऐसा लगा जैसे उस मातम की आवाज से उसके सर का नस ही फट जाएगा। जानकी ने जोर से अपने कान बंद कर लिए। उसके माथे से पसीना बहने लगा और गले के जख्म का दर्द और ज्यादा बढ़ गया। वो आंख बंद करके सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही थी पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर अचानक से वहां एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में मरने का खौफ नजर आ रहा था। करीब 5 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। ना विष्णु ने कुछ कहा और ना ही जानकी ने, मानो दोनों सदमे में बैठे हुए थे। विष्णु ने कहा, यहां से बचना नामुमकिन है, हम नहीं बच पाएंगे। जानकी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी किसी बूढ़ी औरत ने कहा, मैं बचा सकती हूं तुम्हें, मेरे पास आओ बेटा, तुम्हें सारे दर्द से दूर कर दूंगी। वो आवाज इस बार बड़े करीब से आई थी। विष्णु खड़ा हुआ और वो चुपचाप दबे पांव अपने कोच के आखिरी वाले सीट की ओर जाने लगा क्योंकि उसे वहां पर एक परछाई नजर आई थी। वो उस सीट के पास पहुंचा। उसने देखा कि ऊपर वाली सीट पर कोई चादर ओढ़े लेटा हुआ था। वो जानता था कि वो छलावा हो सकता है पर बच के निकलने की आस ने उसकी समझदारी पर काबू पा लिया और वो उसके पास पहुंच गया। उसने कहा, सुनो भाई, क्या हो रहा है यहाँ, कुछ जानते हो क्या? तभी चादर के भीतर से रोने की आवाज आने लगी। विष्णु ने कहा, अरे बोलो ना, क्या है भाई? लेकिन उस आदमी की आवाज फिर बदल गई। वो आवाज अब एक औरत की लग रही थी। उसने कहा, ऐसे ही सो रही थी मैं उस रात ट्रेन में। बैरमपुर स्टेशन पर ट्रेन रुकी, मैं बोतल में पानी भरने के लिए स्टेशन फिल्टर के पास खड़ी हुई थी। मेरे आगे 2-3 लोग थे जो पानी के लिए अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई मैं पानी भरने लगी, लेकिन अचानक से न जाने क्या हुआ, एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो गया। आसपास लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी
मुझे बहुत दर्द हुआ, जैसे हजारों लोग मुझे कुचलते हुए भाग रहे थे। मैं चिल्ला रही थी, कोई बचाओ, मदद करो, मुझे बचाओ, लेकिन मानो मेरी आवाज़ किसी को सुनाई ही नहीं थी। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। विष्णु उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। उसने कहा, पर क्या हुआ था उस रात? विष्णु को आगे इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। चादर ओढ़े जो भी सोया था वो चुप पड़ गया। विष्णु इंतजार कर रहा था कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन जब उसने कुछ नहीं कहा तो विष्णु ने उस चादर को धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया। जानकी कुछ दूरी पर खड़े हुए सब कुछ देख और सुन रही थी। विष्णु उस कांपते हुए हाथों से चादर को खींच रहा था, और जैसे ही चादर उसके हाथ में पूरी तरह आने ही वाला था, वैसे ही चादर के अंदर लेटा हुआ इंसान उठ बैठा और उसने एक भयानक चीख निकालते हुए विष्णु का गला दबा दिया। विष्णु ने देखा कि वो एक प्रेत था जिसकी एक आंख गायब थी। उसके माथे से पसीना बहने लगा। वो प्रेत उसका गला दबा रहा था जिससे विष्णु की आंखें लाल हो रही थी। जानकी ने जब ये देखा तो वो चीख पड़ी और वहां से अकेले ही भागने लगी, पर ट्रेन के दरवाजे बंद होने के कारण बाहर नहीं जा सकी। विष्णु के गले में उस प्रेत के नुकीले नाखून गड़े जा रहे थे। उस प्रेत ने कहा, हम नहीं बचे, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। विष्णु की नजर उस प्रेत के पैरों की ओर गई जो हवा में थे। वो प्रेत विष्णु को देखकर अजीब तरीके से हंसने लगा। जानकी भागते हुए रुक गई और उसने सोचा, मैं विष्णु को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? नहीं नहीं, उन्होंने मेरी जान बचाई थी, अब मेरी बारी है। ये सोचकर जानकी हिम्मत करके वापस उस डिब्बे की ओर गई जहाँ वो प्रेत था। उस प्रेत के नाखूनों से विष्णु के गले से खून बहने लगा और उस प्रेत ने उसका गला दबाना छोड़कर अपने दांत गले में घुसा दिए और उसका खून चूसने लगा। विष्णु को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उसका खून पीते समय वो प्रेत विष्णु के हाथों को जोर से दबाने लगा जिससे विष्णु को और भी ज्यादा भयानक दर्द हुआ। लेकिन ठीक उसी समय जानकी वहां पहुंच गई और उसने उस प्रेत के लंबे बालों को पकड़कर विष्णु से दूर खींचा। उसने कहा, छोड़ उन्हें, छोड़। लेकिन वो प्रेत अब गुस्से में आ गया और जोर से गुर्राया और उसने विष्णु को छोड़ अब जानकी की ओर देखने लगा। दूसरी तरफ विष्णु अपने गले को पकड़कर नीचे गिर पड़ा और खांसने लगा। जानकी ने देखा कि वो प्रेत उसी की ओर बढ़ने लगा और वो डर के मारे कांपने लगी। उसने कहा, मेरे पास नहीं, मेरे पास मत आना, कि क्या चाहिए तुम्हें? अरे क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? लेकिन वो प्रेत आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया और रोने लगा। उसने एक अजीब भारी भरकम आवाज में कहा, हमने क्या बिगाड़ा था किसी का जो हमारे साथ वो हादसा हुआ? कोई नहीं आया मदद करने के लिए, सब तमाशा देखते रहे। तो जानकी ने पूछा, क्या हादसा हुआ था? प्रेत ने रोना बंद कर दिया लेकिन जानकी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जानकी ने उस ओर देखा जहां पहले विष्णु था, लेकिन अब विष्णु भी वहां से गायब हो चुका था। जानकी अब और डर गई। उसने कहा, विष्णु भाई साहब, कहाँ गए आप? वो चारों ओर विष्णु को देखने लगी लेकिन वो न जाने उसके सामने से कहाँ गायब हो गया। तभी किसी ने जानकी के कंधे पर हाथ रखा और जानकी चौंक कर पीछे मुड़ी। पीछे मुड़ते ही सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि उसके सामने वो सारे प्रेत थे जिन्हें उसने पहले देखा था। सबके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उनमें से एक के हाथ में था विष्णु का कटा हुआ सर। विष्णु का बाकी शरीर नीचे पड़ा हुआ था जिसके मांस को कुछ प्रेत चीर चीर कर खाए जा रहे थे। वो घिनौना मंजर देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उन प्रेतों के बीच एक छोटी बच्ची निकल कर आई। वो संजना थी जिसका शरीर बाकी प्रेतों की तरह नीला और आंखें सफेद दिखाई दे रही थी। जानकी को बड़ा सदमा लगा उसे देखकर, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। संजना ने कहा, तुमने मुझे नहीं बचाया ना दादी, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। संजना ने यह कहकर विष्णु के शरीर के मांस को नोचना और खाना शुरू कर दिया। ये देखकर जानकी को कुछ भी समझ नहीं आया कि कैसे उसकी जिंदगी कुछ ही घंटों में बदल गई और क्या से क्या हो गया।
ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया था उसके लिए। जानकी ने अपनी आंखें बंद कर ली और बस हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो बस चाहती थी कि ये सब उसका बुरा सपना निकले और जल्द ही वो इस घिनौने सपने से बाहर आ जाए। उसने अपनी आंखें खोली पर सामने वही घिनौना मंजर चल रहा था। विष्णु के शरीर के चीथड़े उड़ चुके थे। जानकी थक गई थी और उसमें अब भागने की हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए वो बस हनुमान चालीसा पढ़ती रही। तभी उसे एक आवाज आई, बहन जी। जानकी बहन जी, अरे क्या हुआ बहन जी, अरे आंखें खोलिए। जानकी वो आवाज पहचानती थी, वो आवाज विष्णु की थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज आखिर आ कहां से रही है। जानकी को फिर से किसी ने कहा, जानकी बहन, अरे उठिए जानकी बहन। जानकी के हाथ पैर कांपने लगे, उसका गला सूखने लगा, सीने में अजीब सी जलन होने लगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फिर उसे लगा जैसे कि किसी ने उसके चेहरे पर ढेर सारा पानी डाल दिया हो, और वो एक झटके से उठ गई और बोली, नहीं मेरे पास मत आना, बचाओ मेरे पास मत आओ। तभी किसी ने कहा, जानकी बहन जी क्या हुआ, कोई सपना देखा क्या आपने? जानकी ने जब अपने आसपास देखा, ट्रेन अभी भी रुकी हुई थी। ट्रेन के उस कोच में बैठे हुए लोग अपनी जगह पर थे और सब उसे ही देख रहे थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उसका ध्यान गया संजना के ऊपर, जो डर के मारे रो रही थी, और फिर आखिर में उसने देखा विष्णु को, जो उसके लिए परेशान होकर खड़ा था। फिर उसने खुद को देखा, वो अपनी सीट पर ही बैठी हुई थी, उसके गले पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसके बाल गीले हो गए थे क्योंकि विष्णु ने उसके सर पर पानी डाला था। जानकी ने कहा, क्या वो सच में सपना था? विष्णु ने कहा, अरे आप कब से सपने में चीख रही थी बहन जी, क्या देखा आपने? जानकी ने कहा, मैंने बहुत भयानक सपना देखा। हे भगवान, लाख लाख शुक्र है तेरा कि वो बस एक सपना था। तभी ट्रेन में बैठी एक बूढ़ी औरत ने कहा, बैरमपुर पास क्रॉस करते समय किसी ना किसी के साथ ऐसा कुछ होता ही है। ये सुनकर जानकी और विष्णु हैरान रह गए। ये सुनकर विष्णु को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जानकी जान गई थी कि उसे जो घिनौना सपना आया उसका कोई गहरा राज है। उसने पूछा, क्या है आखिर इस बैरमपुर में? तो उस औरत ने कहा, कई साल पहले इस स्टेशन पर गैस पाइपलाइन फट गई थी, जिसमें न जाने कितने सारे लोग मर गए थे। इनमें से कई लोग ऐसे थे जिनकी इच्छाएं अधूरी थी, और इस वजह से उनकी आत्माएं इसी स्टेशन पर भटक रही हैं। कहते हैं वो हादसा बड़ा भयानक था, कोई नहीं बच पाया उस हादसे में, न जाने कितने परिवार उजड़ गए, कितने अनाथ हो गए। इसके बाद इस स्टेशन को फिर से बना तो दिया गया, लेकिन उसके बाद इस स्टेशन पर उतरने वाले लोगों के साथ बड़े भयानक हादसे होने लगे, कई लोगों की जान भी गई यहाँ पर। कहते हैं कि जिन लोगों की आत्मा यहाँ भटकती है वो लोगों की जान ले लेते हैं। यहाँ से गुजरते समय लोगों को बड़ी भयानक आवाज भी सुनाई देती है। तुम तो खुश नसीब हो कि तुम्हें बस एक बुरा सपना आया, वरना इससे भी ज्यादा भयानक कुछ हो भी सकता था। जब लोगों को समझ आया कि यह स्टेशन ठीक नहीं है, तो सरकार ने इस स्टेशन पर किसी भी ट्रेन को रुकने पर बैन कर दिया। तब से ये स्टेशन बस बैरमपुर पास बनकर रह गया, और आज ट्रेन का इंजन इसी स्टेशन के पास बदला जा रहा था, इसलिए शायद उन प्रेतों की नजर में आ गई तुम और तुम्हें भयानक सपना आया। ये सारी बातें सुनकर जानकी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिमाग में बार बार सारा सपना रिपीट हो रहा था और डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गई थी। विष्णु ने कहा, आप चिंता मत कीजिए बहन जी, सब कुछ ठीक है, आप आराम कीजिए, वैसे भी वो स्टेशन हम पार कर चुके हैं। जानकी ने उसकी बात मान तो ली, लेकिन उसे आंखें बंद करने में भी डर लग रहा था कि कहीं फिर से वो भयानक सपने में न फंस जाए। उसने संजना को डर के मारे गले से लगा रखा था और दिसपुर पहुंचते तक उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। वो भयानक सपना आखिरी दम तक उसके जहन में बस गया, और उसे उसके बाद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उस बुढ़िया की कही हुई बातें सच हो सकती हैं। वो कभी भी भूत प्रेत जैसी पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन वो बुरा सपना उसे ऐसी चीज़ों पर यकीन करने के लिए मजबूर करता रहा।
तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट टॉपिक आप किस स्टोरी पर सुनना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।